एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएस स्टार्टर में। आज मैं आपको जो है पीडीएफ बना के दिखाऊंगा, आप कैसे जो है पीडीएफ बना सकते हैं और आप उसमें पेज ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें जो है एडोब स्कैन जो है डाउनलोड करना होगा और फिर इंस्टॉल करना होगा। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। आपको सिंपल जो है प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल जो है यहाँ पर टाइप करना है एडोब, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा डोप स्कैन, ठीक है, फर्स्ट स्टॉप पे। तो ये आप देख लेना सिंबल ऐसा होगा। उसके बाद मैंने तो इंस्टॉल करा हुआ है, तो आपको इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने जो है ये फॉर्मेट आ जाएगा ऐसे वाला, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बहुत सारी पीडीएफ बनाई हुई है, 25 पेज की, 100 पेज की बनाई हुई है, तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने बुक रखी हुई है नीचे, ठीक है, आप देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट पेज है ये, तो मैंने उसको ऐसे जो है, एक तो ऑटोमेटिक ये अपने आप ले लेता है, नहीं तो हम हमें खुद से लेना है, तो हम ऐसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये अपने आप ले लेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्रॉप भी कर सकते हैं जितना हमें लेना है, ठीक है। और आपको लग रहा है ब्लर है, तो आप दोबारा से स्कैन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे करके फिर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन लिखा हुआ है कीपिंग स्कैनिंग। उसके बाद आपको ये पेज जो है अलग हो जाएगा। आपको और पेज की बनानी है तो पेज पलट के जो है आप बना सकते हैं और, ठीक है। तो ऐसे आप जो है 10-12 पेज, 20-25-50-100 150 जो भी आप जितने भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, ठीक है, कि देखना है कि जो मैंने पेज वो स्कैन करे हैं वो सही हुए या नहीं हुए। अगर आपको लगता है कि कुछ कट गया है तो आपको जो है क्रॉप पे जाना है। क्रॉप पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, और आपको पूरा पेज लेना है, आधा पेज लेना है, या फ़ोटो लेनी है तो वो भी आप आराम से ले सकते हैं। ये देखिए, इस पर आपको राइट पे क्लिक करना है। देखिए, इस पर आपको क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो जो मैंने क्रॉप करी थी वो उन्हें ले ली। अब ये सेकंड पेज जो मैंने खींचा था, इसको भी मुझे लगता है सिर्फ मुझे ये वाला मैप चाहिए, तो आप इसको भी क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, ये देख, हो गया ना। आप ऐसे जो है पेज को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना पेज ऐड, तो आपको और लेने हैं मतलब फ़ोटो खींचनी है जो आपकी गैलरी में है, तो ये भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। तो आपको उस पर क्लिक करना है, जो भी आपकी फ़ोटो होंगी वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ऐड करना है तो ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे अपना टाइटल देना है कि आप कौन सा आपने स्कैन करा वो आप दे सकते हैं। उसके बाद सेव पीडीएफ पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपको कलर चेंज करना है इसका, तो वो भी है अवेलेबल ऑप्शन। यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे, ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपके सामने फिल्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ जाए। आपको अगर ओरिजिनल रखना है जो आपने खींची है फ़ोटो, तो आपको उस पर क्लिक करना है ओरिजिनल पे। और आप चाहते हैं कि जो मेरे जितने ही पेज हैं सारे ओरिजिनल हो जाएं, तो आपको उसको अप्लाई पे ऑल पे क्लिक करना होगा, अप्लाई टू ऑल पेजेस। उसके बाद फिर क्लिक करना होगा तो सारे पेज जो है ओरिजिनल हो जाएंगे। ये देखिए, और आपको कलर चेंज करना, तो यहाँ पे सामने दिए हुए हैं फिल्टर, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे कि लगता है कि मुझे कुछ मिटाना है या ऐड करना है, तो आपके सामने दो ऑप्शन हैं, ठीक है। तो आप जो है आराम से इसको फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐड करना है, अगर आपको मिटाना है तो आपको जो है सिंपल इस पर क्लिक करना होगा कि कलर कौन सा लेना है आपने। कि कलर लेने के बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वैसा जो आपने कलर सेलेक्ट किया था वो आ जाएगा। ये देखिए, अब मुझे पूरा सारा मिटाना तो सारा मिट जाएगा, आपको थोड़ा सा मिटाना तो थोड़ा सा मिट जाएगा। और आपको लगता है कुछ आपने गलत कर रहा है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, आप उसको बैक भी जा सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा वैसे हो जाएगा। तो ये था, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप देखेंगे तो, ठीक है। देखिए, आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आपको रोटेट करना है पेज, रोटेट भी हो जाएगा, ठीक है। रीसाइज करना है A4 में, लैंडस्केप में, तो सारी ये A3 में सारे ऑप्शन दिए हुए अवेलेबल। फिर आपको जो है सिलेक्ट करना है, उसके आपको जो है सेव पे क्लिक करना है, सेव पीडीएफ।
और आपको लगता है कि मैंने पूरा सेट कर लिया है, तो आप उसके बाद सेव पे क्लिक करने के बाद शेयर भी कर सकते हैं, और शेयर करने के बाद आप उसका लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मैंने जो पीडीएफ बनाई है उसका लिंक बन जाए, तो आप उसका लिंक भी जो है क्रिएट हो जाएगा, पर इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत होगी। ठीक है, जब आपका नेट होगा तो ऑटोमेटिक जो है लिंक बन जाएगा, तो आप उसको लिंक को भी शेयर कर सकते हैं किसी से। ठीक है, जहाँ पे आप चाहते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पे, तो आप उसको जैसे वो लिंक पे क्लिक करें तो आपकी ये पीडीएफ पूरी खुल जाएगी। ठीक है ना, तो ये सेम प्रोसेस था, सिंपल था, आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक एडोब स्कैन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।